वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, आप सभी का स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। आपके लिए खुशखबरी इसमें आ चुकी है, यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रैप मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है यहाँ पर जो ये, जिसकी लास्ट डेट बात करेंगे तो भाई यहाँ पर 14 दिसंबर 2024 तक इसके अंदर फॉर्म जो है भर सकते हैं आप लोग जो है ये। इस पर जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी जो है ये कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साथ में कॉन्स्टेबल है ना, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी जो वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है, यहाँ पर कॉन्स्टेबल हो गया या आपका हेड, इसमें हेड कॉन्स्टेबल हो गया और सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है ये अभी चल रही है वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पुरुष में कितने पद हैं, महिला कितने हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर हेड कांस्टेबल कितने पुरुष कितने हैं, कितने महिला कांस्टेबल, कितने पुरुष, कितने महिला, पूरा ब्यूरो यहाँ पर दिया हुआ। सैलरी वगैरह इसमें देख लीजिए, मैं 35,400 1,12,400 रुपये सैलरी दी जाएगी और पूरा ब्यूरो यहाँ पर जो है वो दे दिया गया। एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो ये गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है, यह इसकी जो ऑफिशियल जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, या आप सरकारीRezult.com पे जाके भी ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें SC ST के लिए यहाँ पर जो 100 रुपये छः और बाकी जनरल वालों के लिए यहाँ पर 200 रुपये है, आप सभी देखते हैं जानते तो ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं आप लोग जो 10th पास पास, इसमें आवेदन जो है वो कर दीजिए यहाँ पर जो ये। वहीं पर जो है एक खबर और यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, यहाँ पर जो TGT 2013 भर्ती मामला जो है हाईकोर्ट पहुँचा और 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। तो मतलब क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग यहाँ पर जो को लेकर जो TGT 2016 को लेकर जो है याचिका दाखिल कर दी गई है, तो इसमें जो कोर्ट पहुँच चुका है मैटर, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो ये पूरा ब्यूरो यहाँ पर दे दिया गया है। अलीगढ़ का निवासी यहाँ पर जो इन्होंने इनका सिलेक्शन भी हो गया पर इनको जो ज्वाइनिंग जो है नहीं मिला, उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर जो रखी है एक बार देख लीजिए यहाँ पर याचिका इन्होंने तैयार कर दिए है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश चयन आयोग की 2013 की 2015 में परीक्षा हुई थी और जो 16 में इसमें जो है इंटरव्यू कराया गया था, तो उसी के संबंध में आप जानकारी दे रखी है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये अपडेट इसमें आ चुकी है, तो उसी के संबंध में जानकारी दी है। तो कोर्ट में जो है ये पहली पत्नी की पेंशन हकदार होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में जानकारी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है कहने मतलब क्या है, मुस्लिम कर्मचारी है, मुस्लिम कर्मचारी 3 शादियाँ करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को जो है पहली पत्नी की पेंशन को भुगतान को लेकर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ निर्णय यहाँ पर आदेश दे दिया गया। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर जो है ये देख लीजिए यहाँ पर जो, तो यहाँ पर देख लेते हैं TGT 2013 जो है नियुक्ति पत्र मामले की मांग को लेकर जो है चयनित पहुंचे कोर्ट, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे रही है, मैंने आपको भी बता दिया है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी अपडेट देता हूँ कम से 3 से 4 अखबार डेली पढ़ता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपडेट लेकर आता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग ने जो है मांगी PCS परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची, जिले में जो पहली बार हो सकती है PCS की परीक्षा और सरकारी जो विद्यालय बनेंगे केंद्र, मतलब क्या अमेठी के अंतर्गत पहली बार जो परीक्षा कराई जाएगी, अब जो है सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है। मतलब क्या, अब जो राजकीय इंटर कॉलेज होंगे एडेड कॉलेज होंगे उन्हीं को जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, अन्यथा जो प्राइवेट वालों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। पहले जो है प्राइवेट स्कूल वालों को भी जो परीक्षा केंद्र बनाते थे PCS प्री में, मैं आपको बता रहा हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जो ये, क्योंकि एग्जाम जो है वो आउट होते हैं और उसके संबंध में बहुत लोगों को परेशानी होती है। बात करेंगे यहाँ पर 26 फरवरी के बाद जो होंगी UP बोर्ड की परीक्षा, बहुत से लड़के सोचेंगे कि यार 2 फरवरी परीक्षा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई भाई, यहाँ पर जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की महाकुंभ में उड़ने इसमें उड़ने वाली भीड़ को मद्देनजर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर 54,38,000 लगभग जो है 54,38,000 जो 557 अभ्यर्थी है इसमें जो है बैठेंगे परीक्षा में, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दे रखी है, देख लीजिए यहाँ पर जो ये। वहीं पर जब बात करेंगे यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत वैकेंसी जो है 438 पदों पर तैनाती होगी, 438 पदों पर राष्ट्रीय भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है यहाँ पर जो ये, जो लड़के इंतजार कर रहे थे 16 महीने बीत चुके हैं, यहाँ पर देख रहे 16 महीने बाद जो है यहाँ पर 438 को तैनाती होगी। तो राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती का रास्ता खुल चुका है यहाँ पर जो, राजकीय इंटर कॉलेज में जो है 16 महीने बाद 416 पदों पर जो सहायक अध्यापक 22 प्रवक्ता का रास्ता साफ हो चुका है। इसके संबंध में जानकारी यहाँ गाइडलाइन जारी कर दी गई है, गाइडलाइन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या होगा गाइडलाइन में, है ना। ये TGT PGT की वैकेंसी यहाँ पर जो ये बताई गई है और जहाँ शिक्षक कम होंगे वहाँ उनको प्रतिस्थान कराए जाएंगे, तो उसी संबंध में जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं पर आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नगर निकायों में 1739 पदों पर होगी भर्ती जल्द, उसी के बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ पर नगर निकायों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है 1739 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ प्रस्ताव पारित कर दिया गया यहाँ पर जो ये। बात करेंगे यहाँ पर जो नगर निकायों के अंतर्गत यहाँ पर जो है तो विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव, तो मतलब भर्ती जल्द होगी यहाँ पर जो ये, उसमें क्या मतलब यहाँ पर जो है ये सीधी भर्ती भरे जाएंगे पद, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ भाई, यहाँ पर जो है ये इसमें बताया गया इसमें जो है 1120 पदों पर सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे और 1739 पद जो है कि भर्ती निकली है, ठीक है। तो 1739 पदों पर जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें 1120 पद जो सीधे भरे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद 619 जो है प्रोन्नत होंगे, पदोन्नति से भरे जाएंगे, तो उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर दे रखी है।
सीधी नियुक्ति में यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ सीधी भर्ती से इन पदों पर नियुक्ति होंगी। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ से खबर इसमें आ चुकी है, लगभग सभी जनपदों में यहाँ पर जो है ये नगर विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर जो है कि सीधी भर्ती से यहाँ पर पद जो है ये भरे जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है आप सभी जानते हैं, कमेंट कीजिए यहाँ पर जो ये। वहीं पर जो PCS प्रारंभिक परीक्षा एक दिन कराने की मांग तो पूरी हुई, लेकिन RO/RO को लेकर छात्रों ने बड़ा इंतजार, उन्होंने कहा RO/RO भी एक दिन कराया जाए, उन्होंने कहा दो दिन कराएंगे। उसी के लिए हमें संबंध में यहाँ पर जानकारी दे रखी है, यहाँ पर संशोधित उत्तर कुंजी संघ जो प्राप्तांक भी यहाँ पर जारी करे आयोग, उसी के संबंध में जानकारी दे रखी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यहाँ पर लड़कों ने कहा है कि यहाँ पर जो है ये उत्तर कुंजी के बाद जो है ये यहाँ पर जो है ये आपको प्राप्तांक भी आपको बताना होगा, है ना। तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर बताया गया इसमें संशोधित उत्तर कुंजी संघ जो प्राप्तांक यहाँ पे बताए जाएंगे, उसी के संबंध में यहाँ जानकारी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर जो लगभग आज के सभी समाचार पत्रों में खबर इसमें आ चुकी है, प्रदेश भर में जो 978 केंद्रों पर एक दिन में जो है कैसे होगी RO/RO प्रवेश परीक्षा, मतलब क्या ये इंट्रेंस यहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश भर में जो है 978 जो है केंद्र में एक दिन में जो है कैसे होगी RO/RO परीक्षा, केंद्र निर्णय में जो है संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में जो है ये फंसेगा पीच, मतलब वही के संशोधित करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना। तो एक दिन कराएंगे कैसे कराई जाएगी परीक्षा, 57,000 जो है विद्यार्थी से बैठेगा यहाँ पर जो है ये 5,76,000 अभ्यर्थी बैठेगा इसमें जो है ये एंट्रेंस में, तो 1748 केंद्र बनाए गए, तो कैसे इसमें हो पाएगा वो लिखित रूप में इसमें जो है स्पष्टीकरण जो है मांगा जा रहा है यहाँ पर जो है। साथ में आप सभी जानते हैं RO/RO को लेकर और PCS को लेकर यहाँ पर जो लड़के जेल भी गए थे, यहाँ पर जेल से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो है ये इसमें जो है इसमें आशुतोष और इनके खिलाफ FIR हो गई, JD में लिखा है बेड हंसक बनाया गया यहाँ पर जो है इनको, तो अभी देर रात ही छूट चुके हैं, फिलहाल दो दिन जेल में रहे थे यहाँ पर जो ये देख लीजिए, ये लड़के यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे ये जो है इनका चैनल चल रहा है और इनका टेलीग्राम चैनल, इन्होंने ही जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लड़कों को बुलाया था, बहुत भीड़ इकट्ठी कर दी गई यहाँ पर जो है, तभी जाके लोक सभा आयोग में धरना प्रदर्शन हुआ, उसके FIR भी यहाँ पे संबंध में जानकारी हो चुकी है, मतलब सीधे जो है नाम से तो FIR नहीं की गई, वहाँ पर जो पुरुष लिख दिया गया, वहाँ पर जो है ये पुरुष के बाद सीधे संस्था के खिलाफ जो FIR कर दी गई है। ठीक है, एक लड़के के खिलाफ जो है ये नहीं है, पूरे लड़कों के खिलाफ यहाँ पर जो FIR दर्ज, पूरे संस्था के खिलाफ दर्ज की गई यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो FIR जो है वरन संस्था के खिलाफ FIR की गई है, नाम तो पुरुष के खिलाफ नहीं की गई है। तो भाई यदि आपने जो कल रात की वीडियो नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर कल रात की वीडियो देखिए, यहाँ पर जो है ये 7:30 बजे का वीडियो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो परिवहन निगम में जो डिपो इंचार्ज, ये कल रात का वीडियो है, ये थंबनेल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो ये कल रात का वीडियो जरूर देखिए, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, ये सब वैकेंसीज में आ चुकी है। तो भाई यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आपका लुब्रिजेंट क्लर्क हो गया, MTS की वैकेंसी इसमें आउट हो चुकी है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी इसमें हेडक्वार्टर से यहाँ पर जो है आउट हो चुकी है, यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ बताई गई है। और भाई यहाँ पर ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा, देख लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो लुब्रिजेंट क्लर्क और MTS की वैकेंसी प्योन, ये देख लीजिए यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से जो है गृह मंत्रालय में प्योन वैकेंसी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म इस तरीके टाइप करा लीजिएगा और भेज दीजिएगा यहाँ पर इस वाले एड्रेस पर। ठीक है, मैं एड्रेस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो ये इस वाले आपको एड्रेस पर जो है वो सेंड कर देना है, ये एड्रेस जो है देख लीजिए यहाँ पर जो ये एड्रेस पूरा बताया गया है ना, इस एड्रेस पर आप जो है भेज दीजिएगा ये, है ना। तो एक बार इसको रीड करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा यहाँ पर। इन्होंने तो बोला सर बाल विकास सुपरवाइजर में जो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अदर स्टेट का कोटा रहता है यहाँ पर जो है सर। फरुखाबाद में प्योन वैकेंसी का इंटरव्यू जो है कब होगा, लास्ट डेट निकल गई है, लास्ट डेट तो निकल गई, मैंने आपको अभी दोपहर में वीडियो डालूंगा वो आप जरूर देखिएगा, उसी के बारे में जानकारी यहाँ दे रखी सर। GIC में जो है ज्वाइंट भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, वैकेंसी आने वाली बहुत जल्द, अभी मैं दोपहर का वीडियो डालूंगा जरूर देखिए, यहाँ पर जो दोपहर 12 बजे के बाद वीडियो मेरा आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करें प्लस, थैंक यू वेरी मच।